डिजिटल मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 19 का वीडियो नंबर है 3, क्योंकि 2 में क्वेश्चन अधूरा रह गया था। क्वेश्चन नंबर 10 वैसे किया था तो कि मोबाइल में शायद उसका स्टोरेज कम था तो वो क्या हुआ, यानी कि बंद हो गया वीडियो बनना, ठीक है। और हम करते रहे, पता ही नहीं लगा, तो कुछ समय बाद पता लगा कि वीडियो नहीं बन रही है। टॉपिक सलाह वेक्टर डे नंबर, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 तो लगभग वो एंड हो ही लिया था, वो तो उस तरह से हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 से हम स्टार्टिंग कर देते हैं फिर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, इफ यू B and W are 3 non-coplanar vectors, then find करना U plus B minus W dot U minus B cross B minus W, इसका मान क्या होगा, यानी ये वैल्यूज हमको फाइंडिंग करना है, ठीक है। तो जनरली फाइंड कर लिया जाएगा, इनका पहले मल्टीप्लाइंग ले लेते हैं। तो ये है u प्लस b माइनस डब्लू डॉट इसका मल्टीप्लाइंग u क्रॉस b माइनस u क्रॉस w माइनस B क्रॉस B एंड प्लस B क्रॉस W। B क्रॉस B जीरो हो जाएगा एंड ये है U प्लस B माइनस W डॉट U क्रॉस B माइनस U क्रॉस W माइनस जीरो प्लस B क्रॉस W। मल्टीप्लाइंग ले लेते हैं तो होगा U डॉट U क्रॉस B U dot U cross B minus U dot U cross W, U है and minus U dot B cross W and B के साथ जोड़ लेते हैं B dot U cross B माइनस बी डॉट यू क्रॉस डब्लू एंड प्लस बी डॉट बी क्रॉस डब्लू एंड डब्लू के साथ माइनस डब्लू डॉट यू क्रॉस बी माइनस माइनस प्लस डब्लू डॉट यू क्रॉस डब्लू माइनस W dot B cross W। अब ये हो जाएगा U U B। दो वैल्यू सेम है तो वैल्यू जीरो बनेगा, माइनस U U W माइनस U B W प्लस बी यू बी माइनस बी यू डब्लू प्लस बी बी डब्लू बी बी डब्लू माइनस डब्लू यू बी प्लस W U W माइनस W P W। दो वैल्यू जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो एंड ये जीरो और B W जीरो, ठीक है। जो टर्म्स जीरो होंगे उनको जीरो लिख देंगे एंड उसके आगे बढ़ते हैं। पहला
पहला वाला 0 माइनस 0 माइनस यू वी डब्ल्यू प्लस 0 माइनस बी यू डब्ल्यू प्लस 0 माइनस डब्ल्यू यू बी प्लस 0 माइनस 0। तो ये हो गया माइनस का यू बी डब्ल्यू माइनस बी यू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू यू बी। हाँ, यू बी डब्ल्यू और डब्ल्यू यू बी सब में माइनस आ रहा है। एक टर्म कोई ऐसा होगा साइन बदलने पर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यू बी डब्ल्यू अगर नोटेशन लेते हैं यू बी डब्ल्यू यू बी डब्ल्यू यानी कि यू बी डब्ल्यू यू बी डब्ल्यू इक्वल टू होगा बी डब्ल्यू यू इक्वल टू होगा डब्ल्यू यू बी डब्ल्यू यू बी। ठीक है, यू बी डब्ल्यू एंड डब्ल्यू यू बी आपस में बराबर रहेंगे। यू बी डब्ल्यू एंड डब्ल्यू यू बी ये तो आपस में इक्वल है। ठीक है, और बी यू डब्ल्यू तो इसको लिख सकते हैं माइनस का यू बी डब्ल्यू ये तो है ही है। बी यू डब्ल्यू को यू बी डब्ल्यू यू को यहाँ ले आओ बी को यहाँ ले आओ तो एक साइन चेंज हो जाएगा यानी कि यू बी डब्ल्यू माइनस इसको हम यू बी डब्ल्यू लिख सकते हैं। एक से कैंसिल हो जाएगा माइनस का यू बी डब्ल्यू ये आंसर बचेगा माइनस यू बी डब्ल्यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा 11। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे 9। कंसीडर पॉइंट्स हैं ए बी सी एंड डी विद पोजीशन यानी इनके पोजीशन वेक्टर पोजीशन है 7i माइनस का 4j प्लस 7k एंड i माइनस का 6j प्लस 10k एंड माइनस i माइनस का 3j प्लस का 4k एंड 5i माइनस का j प्लस का 5k रेस्पेक्टिवली मानी क्रम से है। कंसीडर पॉइंट माना ए बी सी के स्थिति सदिश यानी ए बी सी के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं या स्थिति सदिश हैं ये हैं। पोजीशन का मतलब पोजीशन वेक्टर से ही है। पोजीशन माना स्थिति ए बी सी की बिंदु माना ए बी सी की बिंदु ए बी सी की स्थिति इतनी है स्थिति ये एंड ये क्रम है क्रम से हैं। तो ये क्या बनाएंगे देन ए बी सी डी इज ए बी सी डी इज यानी ए बी सी क्या बनाएंगे तब ए बी सी डी होंगे क्या होंगे। पहला एरिया स्क्वायर स्क्वायर यानी कि वर्ग। बी ऑप्शन दिया रोम्बस ये स्क्वायर वर्ग रोम्बस होता है सम चतुर्भुज एंड सी है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को कहते हैं हिंदी में आयत एंड डी है नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये हमको चेक करना है कि इनमें से ये कौन सा होगा या इसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो साइडें निकाल के देख पाएंगे कि क्या क्या पोजीशन बनेगा। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा चार पॉइंट ले लेंगे जैसे ए बी सी डी। तो OA का ये A का स्थिति सदिश OA है ये OB है ये OC है एंड ये OD है। OA OB तो हमको साइडें चाहिए फिर साइडों की वैल्यू चाहिए 1 2 3 4। ठीक है, तो इससे हमको चेक करना कि ABCD क्या बनेगा आयत वर्ग क्या है क्या D है नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो A का स्थिति सदिश OA है ये हमारा 7i माइनस का 4j प्लस का 7k एंड OB बी का स्थिति सदिश आई माइनस का 6j प्लस 10k। बी का स्थिति सदिश यानी कि पोजिशन वेक्टर ऑफ बी एंड सी का स्थिति सदिश ओ सी का टू माइनस आई माइनस का 3j प्लस का 4k एंड डी का स्थिति सदिश
OD जगह 5y माइनस j प्लस 5k। OA, OB, OC एंड OD हैं। अब हम फाइंड करेंगे AB। AB इक्वल टू होगा OB माइनस OA एंड i माइनस का 6j प्लस का 10k माइनस OA होगा 7i माइनस का 4j प्लस 7k। AB इक्वल टू i माइनस का 7i माइनस का 6i माइनस का 6j प्लस का 4j यानी कि माइनस का 2j एंड 10k माइनस का 7k होगा 3k। ये हो जाएगा AB। नहीं, वैल्यूज ऑफ AB फाइंडिंग करेंगे। AB का पोज मॉडलस अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का 36 प्लस 4 प्लस का 9 यानी अंडर रूट 49 7। AB इक्वल टू 7 हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही हम साइड ए फाइंडिंग कर लेंगे। ए भी निकाल चुके हैं, आप निकालें बी सी। ठीक है, ए भी बी सी होगा ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी माइनस ओ बी यानी माइनस आई माइनस का 3j प्लस का 4k माइनस ओ बी है आई माइनस का 6j प्लस का 10k। तो ये आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई यानी माइनस का 2i माइनस का 3j प्लस का माइनस 6j इक्वल टू 3j 4k माइनस का 10k माइनस का 4 माइनस का 6k हो जाएगा। यह हो जाएगा bc। bc का पोजीशन फैक्टर तो bc बराबर मोड ऑफ bc अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का हॉल ऑफ स्क्वायर। तो bc इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस का 36 यानी कि अंडर रूट 49 इक्वल टू 7। बी सी इक्वल टू 7 हो गया। ठीक है, बी सी का मान 7 आ गया। बी सी सी डी सी डी इक्वल टू ओ डी माइनस ओ सी। ओ डी माइनस ओ सी ये हो जाएगा 5y माइनस जे प्लस का 5k माइनस ओ सी माइनस आई माइनस का 3j प्लस का 4k। 5y प्लस आई यानी कि 6i हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस माइनस का जे प्लस का माइनस जे प्लस का 3j माइनस जे प्लस 3j और 3j में से j घटाएंगे हो जाएगा 2j और 5k 5k माइनस का 4k हो जाएगा k। तो सी डी कर लो मोड ऑफ सी डी अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 36 प्लस 4 प्लस का 1 41। ये हो गया अंडर रूट 41। ठीक है, सी डी यानी कि बराबर साइड आमने सामने की नहीं आ रही, दो ही तरह आई हैं एल डी ए या ए डी। ए डी निकालते हैं ओ डी माइनस ओ ए। ए डी इक्वल टू ओ डी माइनस ओ ए। तो ओ डी हुआ 5y माइनस जे प्लस का 5k माइनस ओ ए 7i माइनस का 4j प्लस 7k 5y माइनस 7i माइनस का 2i माइनस जे प्लस का 4j प्लस का 3j 5k माइनस का 7k यानी माइनस का 2k। ये हो जाएगा ए डी का पोजीशन वेक्टर। तो ए डी इक्वल टू मोड ऑफ ए डी इक्वल टू अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस का 4 अंडर रूट 17। तो इसमें कोई सी कंडीशन नहीं बन पा रही, ना तो वर्ग है, ना तो स्क्वायर है, ना रोम्बस है, ना आयत। आयत होता तो आमने सामने की भुजा बराबर होती, रोम्बस होता तो चारों भुजा बराबर होती, फिर विकर्ण बराबर नहीं होते। तो ऐसा कोई उन तीनों में से ऑप्शन नहीं बैठ रहा, तो इसका होगा नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो उनमें से कोई नहीं बैठेगा, डी ऑप्शन जाएगा नॉन ऑफ दिस। 11 नंबर एंड पॉइंट नंबर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया है लेट यू वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे एंड बी वेक्टर है आई माइनस का जे एंड डब्ल्यू इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k इज x इज ए यूनिट वेक्टर सच दैट
such that u dot x equals 0 and b dot x equals 0, then w dot x is equal to, इसका मान क्या होगा, a 0, b का मान c का मान 2 एंड d का मान 3। ठीक है, u v w ये दिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन आजकल कंपटीशन में आ रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। u v w तीन पोजीशन वेक्टर दिए हैं, x इज़ अ यूनिट वेक्टर, तो u डॉट x बराबर 0 है, b डॉट x इक्वल टू 0 है, तो मोड ऑफ w डॉट x का मान किसके इक्वल होगा ये हमको बताना है। तो मान लेते हैं n इज ए x इज ए लेट x इज ए यूनिट वेक्टर, x को यूनिट वेक्टर है, u डॉट x इक्वल टू 0 है एंड b डॉट x इक्वल टू 0 है, तो x इज परपेंडिकुलर टू बोथ u एंड b, यानी कि इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा, जैसे a डॉट b बराबर 0 होता है, a एंड b परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसे ही x u डॉट x 0 है, b डॉट x 0 है, तो x इज परपेंडिकुलर टू u एंड x इज परपेंडिकुलर टू b, देन x इज परपेंडिकुलर टू u एंड b बोथ दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इट इज पैरेलल टू, तो यानी x इज पैरेलल टू u क्रॉस b, u क्रॉस b के पैरेलल होगा, तो u क्रॉस b का मान निकाल लेते हैं, w डॉट x की वैल्यू हमको फाइंडिंग करना है, तो x की वैल्यू जो आएगी वो निकाल लेते हैं, ठीक है, देन x इज पैरेलल टू u क्रॉस b, ठीक है, तो इस कंडीशंस में अब x पैरेलल होगा u क्रॉस b के, तो u क्रॉस b की वैल्यू फाइंडिंग कर लेते हैं, u क्रॉस b तो ये हो जाएगा u क्रॉस b, क्वेश्चन नंबर चला है हमारा 12 नंबर, तो u क्रॉस b निकाल लेते हैं, और इसको कह देंगे हम x, जो पैरेलल होगा, पैरेलल वेक्टर्स आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, तो यानी u क्रॉस b x इक्वल टू हो जाएगा u क्रॉस b, जो पैरेलल है तो उसके बराबर होगा, i j k भी है उसमें, हाँ ठीक है, तो i j k तीनों माना जाएगा, u में i 1 है, j 1 है, k 0 है, एंड b में 1 माइनस 1 एंड 0, तो i के थ्रू लिया जाएगा 0 माइनस 0 0 ही हो जाएगा, j के थ्रू लेंगे 0 माइनस 0, एंड k के थ्रू लेंगे तो माइनस 1 माइनस 1 तो माइनस का 2k, यानी कि x इक्वल टू आ गया माइनस का 2k, x की वैल्यू आ गया माइनस का 2k, एंड w डॉट x सब लेना है, ठीक है, w वेक्टर दिया हुआ ही है और डॉट x उसका फिर लेंगे मॉडुलस, उसकी वैल्यू हमको फाइंडिंग करना है, तो x की वैल्यू जान चुके हैं और उसके आगे देखिएगा w डॉट x निकाल लेते हैं, w डॉट x w यानी i प्लस 2j प्लस 3k डॉट x, x है माइनस का 2k, तो k डॉट i 0 हो जाएगा एंड k डॉट j भी 0 एंड 6 k डॉट k होगा 1, यानी माइनस 6 इंटू 1 इक्वल टू माइनस 6, तो हो गया w डॉट x इक्वल टू माइनस 6 एंड मोड ऑफ w डॉट x इक्वल टू हो जाएगा 6, जब मॉडुलस लिया जाएगा तो माइनस का प्लस, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, 13 नंबर, थर्टी नंबर में दिया है लेट वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी
थ्री नॉन जीरो वेक्टर, थ्री नॉन जीरो वेक्टर का मतलब तीन अशून्य सदिश हैं, वी थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स, तीन नॉन जीरो वेक्टर हैं, सच दैट नो वैल्यू, नो टू ऑफ दिस आर कोलिनियर, उनमें से कोई दो एक रेखा में नहीं है, ठीक है। इफ इफ वेक्टर ए प्लस टू बी इज कोलिनियर, यदि ए प्लस टू बी कोलिनियर है, इन संरेखीय हैं, एक रेखा में है, एंड कोलिनियर विद सी, यानी ए प्लस टू बी सी के साथ कोलिनियर है एक रेखा में, एंड काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में आता रहा है, बहुत अच्छा है, बी प्लस थ्री सी इज कोलिनियर, कोलिनियर विद ए, ए प्लस टू बी कोलिनियर है सी के, एंड बी प्लस का थ्री सी कोलिनियर है ए के, एंड लेमडा बी यहाँ पे लिखा है, लेमडा बी सम नॉन जीरो स्केलर, नॉन जीरो स्केलर, यानी वेक्टर ए में अगर लेमडा का मान लिया जाए, लेमडा कोई नॉन जीरो स्केलर है, देन क्योंकि लेमडा का वैसे कोई यूज़ है नहीं, इसकी वैल्यू पूछा है, ए प्लस टू बी प्लस सिक्स सी इक्वल्स होगा, ए ऑप्शन है लेमडा सी, बी ऑप्शन है लेमडा बी, एंड सी ऑप्शन है लेमडा ए, एंड डी ऑप्शन है जीरो, किसके बराबर होगा, ठीक है। ए प्लस टू बी प्लस का सिक्स सी इज इक्वल टू किसके इक्वल ये होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। ए बी सी वी थ्री नॉन जीरो वेक्टर, ए बी सी तीन अशून्य सदिश हैं, सच दैट यानी कि अतः नो टू ऑफ दिस आर कोलिनियर, इनमें से कोई से दो कोलिनियर नहीं है, संरेखीय नहीं है। इफ वेक्टर ए प्लस टू बी इज कोलिनियर विद सी, ए प्लस टू बी सी के साथ कोलिनियर है, एंड बी प्लस थ्री सी ए के साथ कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब संदेख है, जहाँ पे लैम्डा कोई नॉन जीरो स्केलर है, तो ए प्लस टू बी प्लस सिक्स सी का मान इक्वल होगा, ये हमको बताना है, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा। अब बात आती है, ये दिया हुआ है, सॉल्यूशन लेते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करना है, यानी ए प्लस टू बी, ये क्वेश्चन पीजीटी के लिए बहुत अच्छा है, एंड डी एस एस बी पीजीटी, एनबीएस पीजीटी, तो उन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बढ़िया है, यूपी पीजीटी, आजकल टीजीटी में भी आने लगा है, तो टीजीटी वाले भी डालते रहिए, क्योंकि बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस करते रहिएगा, बोथ ऑफ क्लासेस का भी कॉमन पोर्शन ही चल रहा है। ए प्लस टू बी इज कोलिनियर, ए प्लस टू बी इज कोलिनियर टू सी, यानी कि ए प्लस टू बी बराबर हो जाएगा एम सी, क्वेश्चन नंबर वन मान लेंगे, जहाँ पे एम इज स्केलर, जहाँ पे एम कोई स्केलर है, एंड बी प्लस थ्री सी इज कोलिनियर, बी प्लस थ्री सी इज कोलिनियर, कोलिनियर टू ए, ये ए के कोलिनियर है, ठीक है, बी प्लस थ्री सी इज कोलिनियर टू ए, तो यहाँ पे हम कोई और कॉन्स्टेंट मान सकते हैं, जैसे हमने मान लिया कुछ मान लेते हैं, यहाँ m माना है तो n मान लें, तो b प्लस थ्री सी इक्वल टू एन ए, एन वेक्टर ए, इक्वेशन नंबर टू, तो एक ये आ गया, एक ये आ गया, दो इक्वेशन हमको मिल चुका है। उसके बाद a प्लस टू बी प्लस सिक्स सी की वैल्यू हमको लेना है, a प्लस टू बी प्लस सिक्स सी, ये वैल्यू हमको डिफाइन करना है। अब इतना वैल्यू लेने के लिए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू को सॉल्विंग कर लेते हैं। सिक्स सी कैसे आएगा, यानी टू से मल्टीप्लाइंग हो जाए, यानी इक्वेशन नंबर वन था ए प्लस टू बी इक्वल टू एम वेक्टर सी, एंड बी प्लस थ्री सी इक्वल टू एन वेक्टर ए, इसको अगर दो से मल्टीप्लाइंग करके सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए
ये टू बी हो जाएगा, टू बी से टू बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का सिक्स सी इक्वल टू एम सी माइनस टू एन वेक्टर ए। ठीक है, तो ए प्लस का सिक्स सी इक्वल टू इस तरह से कंडीशन आ जाएगा एम सी माइनस टू एन वेक्टर ए। कंपेयरिंग द कोफिशेंट्स, अब कोफिशेंट की कंपेयरिंग करा लेते हैं, ए का यहाँ पे ए का वन है। कंपेयरिंग द कोफिशेंट्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है, गुणांकों की तुलना करने पर ए का हो जाएगा माइनस टू एन इक्वल टू वन एंड सी का हो जाएगा एम इक्वल टू माइनस का सिक्स, एन इक्वल टू माइनस का वन बाई टू एंड एम इक्वल टू माइनस सिक्स। एम और एन का मान हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास था ए प्लस टू बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एम सी एम यानी कि माइनस का सिक्स सी। ठीक है, यहाँ पे एम का वैल्यू पुट कर दिया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा ए प्लस टू बी प्लस सिक्स सी इक्वल टू ज़ीरो। जीरो को यहाँ पे जीरो वेक्टर दर्शाया गया है, तो इस तरह से हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो पाएगा ए प्लस टू बी। क्वेश्चन नंबर शायद ये रहा था 13, और इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसी टाइप में है, क्वेश्चन नंबर 14। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रही है, लोगों का कहना पांच पांच क्वेश्चनों की वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम 125 पे है भाई। देखो बहुत ज़्यादा यानी 40 मिनट से लंबी वीडियो से होती हैं, तो उसको डालना अपलोडिंग करना बहुत कठिन हो जाता है, उसको कॉम्पैक्टिंग करते हैं, साइज कम करके तभी डाल पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन कम किए जा रहे हैं, पर ये वन डे में 150 ही रहेंगे, वो कम नहीं होंगे, वो 50 है तो 50 ही रहना है, उसको हम कभी नहीं कम करेंगे डे वाइज। इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, नॉन कोप्लेनर वेक्टर यानी कि कोप्लेनर क्या होता है, समतलीय है, नॉन कोप्लेनर असमतलीय है, नॉन कोप्लेनर को असमतलीय है, असमतलीय वेक्टर यानी सदिश। ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर यानी ए बी सी असमतलीय सदिश है। ठीक है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर एंड लैम्डा इज ए रियल रियल नंबर, रियल नंबर जानते ही हैं यानी कि एक वास्तविक संख्या है, देन द वेक्टर्स देन द वेक्टर्स ए प्लस टू बी प्लस का थ्री सी कॉमा लैम्डा बी प्लस म्यू सी एंड टू लैम्डा माइनस वन वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर होल। पहला पॉइंट है ऑल द एक्सेप्ट टू वैल्यू ऑफ लैम्डा, बी है ऑल एक्सेप्ट वन वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड सी है ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड डी है नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आने लगे हैं। ठीक है, यानी कि ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी ये एंड ये आर नॉन कोप्लेनर, आर नॉन कोप्लेनर यानी कि असमतलीय होंगे। ये कब होंगे कि आल एक्सेप्ट वेल टू वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा के दो मान आएंगे उन पर, या एक्सेप्ट वन वैल्यू ऑफ लैम्डा, या आल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, या किसी भी वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा के किसी भी मान पर नहीं। तो इनमें से बताना है कि कौन सी कंडीशंस हमारी सही हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं क्या इसमें से निकल सकता है। अगर कोप्लेनर है तो वॉल्यूम ऑफ ए बी सी बराबर जीरो होता है। अगर मान लिया एक वेक्टर ये है, इसको हम मान लेते हैं सपोज एक्स, ठीक है, दूसरा वेक्टर ये है, इसको हम सपोज मान लेते हैं वेक्टर वाई, और तीसरा अगर ये है, इसको अगर हम मान लेते हैं वेक्टर जेड। तो कोप्लेनर है इफ कोप्लेनर, तो वॉल्यूम ऑफ एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये
ए बी सी के टर्म में चल रहे हैं, तो ए का जो पोजीशन वेक्टर्स है, ए का जो पोजीशंस है हुआ 1 2 3, ए बी सी के रख देंगे, ए का 1, बी का 2, सी का 3। यहाँ पे ए का 0 है, बी का लैम्डा है, सी का म्यू है, और वहाँ पे 0 0 एंड 2 लैम्डा माइनस 1 का 2 0। ठीक है, तो इस तरह से इनको सॉल्विंग कर लेंगे। सॉल्विंग करके यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। लैम्डा के अगर 2 मान आते हैं तो देखा जाएगा किस वैल्यू पर डिपेंडिंग करेगा। ठीक है, अगर सॉल्विंग हम करते हैं तो 1 के थ्रू लेंगे, ये इंटू ये 0, 2 के थ्रू लेंगे, ये इंटू ये भी 0, 3 के थ्रू लेंगे, ये माइनस ये, एक के टर्म में तो बचेगा, 1 के थ्रू में लिया, ये माइनस ये, तो लैम्डा ही वाला बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्विंग करते हैं 1 इंटू लैम्डा इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 0, माइनस 2 के थ्रू लेंगे ये माइनस ये 0, एंड 3 के थ्रू लेंगे ये माइनस ये 0 इक्वल टू 0। तो लैम्डा का ही मान यहाँ पे निकल पाएगा। कभी कभी लगे कि लैम्डा भी आ रहा, म्यू भी आ रहा, जब टाइम कम होता है तब लगता है कि कैसे होगा सॉल्व। तो यहाँ लैम्डा एंड 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू है 0, या तो लैम्डा का मान 0 होगा और लैम्डा का मान होगा 1/2। तो लैम्डा के दो मानों पर आल एक्सपेक्ट टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा के दो जो मान आएंगे उन पर ही ये नॉन कोप्लैनर हो पाएंगे। ठीक है, लैम्डा के केवल यहाँ पे दो ही मान निकल पाएंगे और उन्हीं पर ये नॉन कोप्लैनर होंगे। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 15। ठीक है, तो बहुत बढ़िया अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। हाँ, 15 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आया हुआ है पीजीटी में। यू बी एंड डब्ल्यू बी सच दैट यू बी डब्ल्यू सच दैट, यानी कि मोड ऑफ यू बराबर 1 एंड मोड ऑफ बी बराबर 2 दिया है एंड मोड ऑफ डब्ल्यू बराबर 3 दिया है। इफ द प्रोजेक्शन बी अलोंग यू इज इक्वल टू दैट ऑफ डब्ल्यू along u and v and w are perpendicular to each other, then u minus v plus w का mod किसके इक्वल होगा? u minus v plus w का mod इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है जनरली एग्जामों में, अभी आया हुआ। तो इस क्वेश्चन को मैं हिंदी वर्जन पर भी बताना जरूरी है, क्योंकि हिंदी वालों की प्रॉब्लम ज़्यादा, और हिंदी लिखते हैं तो इंग्लिश वालों की और ज़्यादा। तो मे भी देखिएगा, मैं जिस भी लैंग्वेज में लिखता हूँ उसका दूसरा वर्जन ज़रूर मैं डिफाइन कर देता हूँ। मैं इंग्लिश में लिखा तो हिंदी में बता देता हूँ, और हिंदी में लिखा तो इंग्लिश में बोल देता हूँ, ये मैं इतना काम ज़रूर करता हूँ। लेट यू बी डब्ल्यू बी सच दैट, यानी यू बी डब्ल्यू इस तरह से दिए गए हैं, वेक्टर यू का मोड इक्वल टू 1, वेक्टर बी का मोड बराबर 2 एंड वेक्टर डब्ल्यू का मोड बराबर 3। इफ द प्रोजेक्शन बी अलोन यू इज इक्वल टू दैट ऑफ डब्ल्यू अलोन यू एंड वी एंड डब्ल्यू आर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ देम। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज दी हुई है कि इनके जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ठीक है, यू का द प्रोजेक्शन यू अलोन सॉरी प्रोजेक्शन बी अलोन यू, प्रोजेक्शन को कहेंगे यहाँ पे प्रक्षेप, बी का यू पर प्रक्षेप बराबर है डब्ल्यू का यू पर, एंड बी यू एंड बी एंड डब्ल्यू यहाँ तक बी का प्रोजेक्शन यानी बी का प्रक्षेप यू बी का यू पर प्रक्षेप इक्वल है डब्ल्यू का यू पे प्रक्षेप के, और बी एंड डब्ल्यू परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये बी और डब्ल्यू एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मान ज्ञात करो। यानी कि प्रोजेक्शन में कहा है
बी का यू पर प्रोजेक्शन ये कैप होगा, इक्वल टू इक्वल है डब्लू का यू पर प्रोजेक्शन। इसका मतलब हुआ बी डॉट यू अपॉन मोड ऑफ वेक्टर यू इक्वल टू डब्लू डॉट यू बटे मोड ऑफ वेक्टर यू। एक कंडीशन ये दे रखी है, ठीक है, एक कंडीशन ये दी हुई है, और दूसरी कंडीशन बी एंड डब्लू परपेंडिकुलर है, बी डॉट डब्लू बराबर ज़ीरो। तो यहाँ पे दोनों में ही नीचे यू आ रहा है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बी डॉट यू बराबर डब्लू डॉट यू, बी डॉट यू बराबर डब्लू डॉट यू, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, तो दो इक्वेशन हमको यहाँ से मिल जा रही हैं। तो बी डॉट डब्लू बराबर ज़ीरो एंड बी डॉट यू बराबर डब्लू डॉट यू, ठीक है, दो इक्वेशन हमको यहाँ से मिल जाती हैं। उसके बावजूद हमको फाइंडिंग करना है इसका मॉडुलस। अगर यू माइनस बी प्लस डब्लू का अगर हम स्क्वायरिंग लेते हैं, डायरेक्ट ले सकते हैं स्क्वायर, यानी मोड का स्क्वायर ले लें, तो ये हो जाएगा वेक्टर यू के मोड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर प्लस वेक्टर डब्लू के मोड का स्क्वायर माइनस का टू यू डॉट बी माइनस का टू बी डॉट डब्लू प्लस का टू डब्लू डॉट यू, यानी कि यू का मोड वन है, वन का स्क्वायर, बी का मोड टू है, टू का स्क्वायर डब्लू, थ्री का स्क्वायर माइनस यू डॉट बी बराबर डब्लू डॉट यू। तो डब्लू डॉट यू ये एंड ये आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि यू डॉट बी एंड बी डॉट डब्लू ज़ीरो है, ये तो हो गया ज़ीरो, टू इंटू ज़ीरो एंड टू, ये हो जाएगा u डॉट b के बराबर, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा एंड 1 प्लस 4 प्लस 9 अंडर रूट 14। तो ये चला है u माइनस b प्लस w के मोड ऑफ का स्क्वायर। वैल्यू हमको फाइंडिंग करनी है इतने की, तो इतने की वैल्यू फाइंडिंग करनी है, तो अंडर रूट 14 हो ही जाएगा, यानी कि दैट एम्प्लाइज बन सकता है u माइनस b प्लस w का मोड इक्वल टू अंडर रूट 14, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यूज आ सकती हैं।